है और वहाँ रोड मैप का ऐलान भी करेंगे। और जाहिर है उनके हक़ में दुबई से जिस तरह वो आए हैं 70 दीगर मुसाफिर, और बड़ी तादाद है आपके कारकुनान की भी और सहाफ़ियों की भी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आज बयानी का अनाउंसमेंट हो जाएगी, विजन दे दिया जाएगा आज के जलसे में? जी बिल्कुल, डायरेक्शन दे दी जाएगी और देखिए जो जो साबित हो गई कि ये लोग कैसे कितने साहब के लिए लोग निकलेंगे नहीं, ये साहब करप्शन के समय इल्जाम रखते हैं, ये बात अगर साबित हुई है ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये साहब इंशाल्लाह कुछ छुट्टी हमारे के जितनी जल्दी से जल्दी इलेक्शन है और एक मंडे के साथ हुकूमत है और वो मंडे रहे इसके साथ जो है फिर आगे मुल्क को आगे लेके चले, क्योंकि इस वक्त कोई भी पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टी भी लीडर इस खेलबर का और इस बजिया का और उसको नहीं है तो मुल्क को आगे लेके चल सके। एक बहुत मिया साहब है जो तमाम लीडर्स को तमाम स्टेक होल्डर्स और तमाम मुल्क के इदारे बल्कि सबको साथ लेकर उनमें ऐसी सलाहियत है और किसी में सलाहियत ऐसी नहीं है, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क के अच्छी चीफ अच्छी बात है, ये सब आ गए हैं उस तरफ बड़ा शानदार हुआ है और भी पाकिस्तान पे होगा और बहुत सारा रोड मैप देंगे और यकीन रोड मैप जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली का रोड मैप होगा, तो हमें इसकी खुशी है। सारे वर्कर्स बड़े कुछ जनते से आ रहे हैं, कुछ है और नारे लगाते हुए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो अल्लाह ताला पाकिस्तान का हमारा एक मिसाइल गया हुआ है वो जल्दी मिसाइल से देख रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बात भी है उस पर सेनेटर साहब के मियाँ साहब की वतन वापसी के हवाले से, जहां आप जाहिर आपके जो कायद हैं आपकी पूरी पार्टी बहुत खुश है और पाकिस्तान में बहुत सारे शहरों से काफ़िले लाहौर के लिए रवाना हुए और कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं लेकिन पहुंचने वाले हैं लाहौर में, आज बड़ा ही जलसायाम से खिताब भी उन्होंने करना है, आप खुद कह रहे हैं कि वहाँ रोड मैप का ऐलान भी उन्होंने करना है और उन्हें ये भी कहना है, बयानियाँ भी देना है इलेक्शन के हवाले से क्या हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ इलेक्शन का, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन वैसे होने थे लेकिन नवंबर में 90 दिन पूरे हो रहे हैं लेकिन नून लीग ने उस पर खामोशी इख्तियार की है, और अगर जनवरी के आखिर में भी होते हैं तो 90 दिन वाला जो आइन में लिखा है वो तो नहीं होगा फिर? देखिए जी, जहाँ आइन ये लिखा है कि 90 दिन रक्षा होने चाहिए, जहाँ वहाँ आइन में ये भी लिखा है कि सेंसस हो रहे हैं तो नए सेंसस के मुताबिक जो है नए सेंसस के मुताबिक जो है इलेक्शन किए जाए, तो नए सेंस हो गए और तमाम किसी पार्टी इतफाक किया है और ये जो 2017 के सेंसस थे उसमें तमाम चारी पार्टी का इतफाक नहीं था, ये उससे ये जो पेश से हुआ है उसमें सब इतफाक है, तो इसलिए में अगर चैटर पे कहीं डेट का दी जाए इलेक्शन कराए जाए तो ये मुल्क बहुत क्योंकि रिजल्ट जो है फिर इसके कंपटीशन ही होंगे, क्योंकि इससे पहले से मगर आज तक हमें काम किया गया है और जो दो हजार की उनकी गिनती हुई तो वोट के बारे में 7 हजार बढ़ गई हो, तो एक लिहाज से बहुत अच्छा है कि नए पैसे भी रखे हो गए वो कि लेट है जहाँ नहीं ये दिन तक कहते हैं जी अंदर चढ़ो वहाँ ये भी नहीं कहते हैं कि सेंसस हो जाए तो उनके नए सेंसस कंपनी का इलेक्शन कराओ, दोनों ऑप्शन हमारे पास थे, दो हमने जो कौम की खास जो मुल्क की खातर बेहतर समझा कि सियासी स्टेबिलिटी खत्म हो उस लिहाज से तो नए सेंसस होने चाहिए, तो उससे हम इसको उसी पे उसी कबंदी करने के बाद जो है नए इलेक्शन में जाएंगे और देखेंगे अच्छा रिजल्ट है उस पर। अच्छा सेनेटर साहब, चूंकि इस पर आपके साथ जो सियासी जमातें मौजूद थीं 16 माह की हुकूमत रही उसमें, अगर हम महंगाई गुर्बत बेरोजगारी के हवाले से आप लोग काम नहीं कर सके तो इसका जिम्मेदार सिर्फ किसी एक पार्टी को ठहराया जाए जिसका वजीर आजम था, इस पर आप समझते हैं कि तमाम पार्टी जिम्मेदार है? अच्छा जी, हम तो अब 16 माह की हुकूमत में आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी, हालांकि 13 जमातों की हुकूमत हमारे गले पड़ा था उसको साफ करते रहे हमने 16 माह में, तो देखकर हमने मुल्क डिफॉल्ट पाकिस्तान का हमारे ये कर रहा है फजल जबकि आई की सारी किस्तें बंद हो गई थी, ये तो कम एक लिहाज से हमारी जो है वो मैं तो कामयाबी समझता हूँ, 10 माह में मिल के काम किए पाकिस्तान डिफॉल्ट जो है उन्होंने एनर्जी सेक्टर में काम किया, उसमें एनर्जी सेक्टर में काफी जो है वो 5000 मेगावाट है हमने लैपटॉप्स की उसमें जवानों को लेकर उसकी शुरू की, तो नो डाउट महंगाई है लेकिन उसको एक स्टम उसको रोक दिया आप और ऐसे स्टेप दे रही है कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ये महंगाई भी कम होगी और हमारे जो है ना बेरोजगारी भी कम होगी और तमाम मसायल जो है मुश्किल इंशाल्लाह
लाइन पे आ जाएंगे। अच्छा सेनेटर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात एक शख्स की वजह से रोक दिए गए। अब तो चलो आ गए नवाज शरीफ साहब, उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था कि वो नहीं आ रहे तो इंतखाबात भी नहीं कराए जा रहे, शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, और पाकिस्तान को अब ये भी कहते हैं कि जी लंदन से नहीं चलाया जा सकता। अब तो मियां साहब आ गए हैं, लेकिन एक शख्स की वजह से रोक दिया गया था इंतखाबात, इसलिए अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी, शेड्यूल का अनाउंसमेंट इसलिए नहीं हो रहा था। वो डिस्प्ले हो जाएगी कि आकर वाली कौन सी किस तरीके की कैसी है, उसके बाद इलेक्शन चेंबर अनाउंस होगा ना जी। उससे पहले अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने इशारा कर दिया है कि उसके आखिर में अपना जरूरी के आखिर में इलेक्शन होंगे, वो तो सबकी तय होगी। अच्छा मियां साहब की वतन वापसी के हवाले से सेनेटर साहब, एक आम तासुर जो इस वक्त है वो ये है कि जिस तरह वो गए थे और इस तरह वापस आए हैं, डील करके वापसी हो रही है, तमाम चीज़ें, इसलिए स्पीडी इंसाफ भी उनको मिल रहा है अदालतों से, और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा वो जो बयानिया था वो तो तब्दील हो गया ना, कि जो बाजवा साहब या फैज अमीर, साकिब निसार, इनके हवाले से एहतसाब का था, वो क्या बयानिया बताया? मियां साहब ने फरमाया था इनका एहतसाब होना चाहिए कौमी मुजरिम में, होना चाहिए तो हमारे चाहिए, उसे हम पीछे नहीं थे। हम ये कि हम उसको सारे कर्सा पेट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कानून का रास्ता हो रहा है, जो जिसने खिदमतें की है और उसको सुधारने चाहिए। नहीं लेकिन 16 माह में तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की ना आप लोगों ने, एक कदम भी नहीं आगे नहीं बढ़ा। जिन तीन अफराद का गुजरांवाला जलसे में भी नाम लिया और चंद दिन पहले भी मियां साहब ने नाम लिया था, फिर बात यह है कि लोग है, मुक्ति पास हो रहा है और हम यहाँ एक दूसरे के खिलाफ केस करना शुरू कर दे, वो वक्त ही बेहतरीन जो है ना वो होता है, और उसके साथ साथ देखेंगे किस तरह तमाम चीजें बेहतरी हो जाएंगी। समिट में हमने मुल्क पिछाना था या इसे साफ करना था, तो सारे चीज वक्त के साथ होगी और वक्त के साथ साथ इस तरह देखेंगे बहुत बेहतरी आएगी। नून लीग में सर तकसीम की जो बातें थी, अब क्या दम तोड़ गई या उसमें कितनी हकीकत थी? नून लीग में पीछे नहीं है जी, क्या होता है पार्टी ना रहे और वो जैसे नजरिया हुई होता है मियां साहब ने, और मियां साहब का फैसला हाथ की होता है, वो इस अंदर टाइम ही मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस मोहम्मद, हमारे साथ मौजूद थे। आवाज़ का थोड़ा मसला इशू था जिसकी वजह से ठीक तौर पर हम नहीं सुन पाए, लेकिन उन्होंने यही कहा कि आज रोड मैप का अनाउंसमेंट होनी